मिसेस शेषाद्री, रंगनागी शेषाद्री बताती है मेरे को। मेरे को बहुत तकलीफ था जब मैं इधर आने के पहले, बहुत ही मुश्किल से जी रहे थे। मेरे को पीठ में बहुत तकलीफ था, पीठ टूट पड़ा है उसी की वजह से बहुत ही तकलीफ था। आने जाने में, उठना बैठना में, सोएंगे तो उठ ही नहीं पाती थी। बहुत मुट्ठी जैसे इधर उधर हाथ रख के मैं उठना था, तो बहुत मुश्किल हो गया मेरे को। कितना भी रेकी किया और योगा किया, प्राणायाम किया, फिर भी मेरे को इतना कुछ भी नहीं निकला। बहुत दर्द ज़्यादा दिन भर ज़्यादा ज़्यादा होता था। मैंने उसको निकालती थी योगा प्राणायाम से, फिर भी वो तकलीफ बिल्कुल निकला नहीं था। तो मेरे को एक मेरा फ्रेंड था लीला कृष्णमूर्ति करके, मेरे घर के नीचे रहते थे, बहुत ही अच्छा फ्रेंड था। दोस्त समय पर करते हैं, काम आते हैं ना, तो ऐसे मेरे को डीड किया उन्होंने, अच्छा सा नहीं, फ्रेंड इन नीड फ्रेंड इन डीड बोलते हैं, ऐसे मेरे को वो मदद किया था। उन्होंने बोला आयुष शक्ति में मेरा पति ने ट्रीटमेंट किया, उनका चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया। 80 उम्र के बाद उसका इतना बेंड हो गया, फिर भी हम लोग उधर लेके गए थे तो 40 दिन में बहुत अच्छा हो गया। अभी अपने आप अकेले चलता है, अकेले सब कुछ करता है। वो देख के मैं भी हैरान हो गया। उनको सचमुच मैंने अपने आँखें से देखा तो मेरे को बहुत विश्वास हो गया। और मैं इधर आके मेरे डॉक्टर के पास सब कुछ मैंने बताया। मेरे को शुगर कंप्लेंट था, बीपी था, क्योंकि ऑपरेशन हो गया इधर क्लॉट की वजह से, फिर वो अभी इतना मुश्किल हो रही है, पीठ में भी तकलीफ हो रही है, सांस का तकलीफ हो रहा था। तो मैं इधर आके उनको बताया माइग्रेन का तकलीफ है, क्या क्या बीमारियां है सब मैंने बता दिया। 5 बीमारियां, शुगर, बीपी, माइग्रेन, पीठ दर्द, गैस, एसिडिटी, इतना प्रॉब्लम से मैंने इधर आ गया। अभी डॉक्टर ने मेरे को 24 मार्च मेरे घर आ गया, अभी मेरे को 2 महीने भी नहीं हुआ है। डॉक्टर डिटॉक्सिनेशन किया था तो थोड़ा मुश्किल था, फिर भी मैंने उसको कर लिया। अभी बिल्कुल मेरा एसिडिटी कम हो गया, माइग्रेन कम हो गया, बीपी कम हो गया। बीपी का दवाई 20 आधा कर दिया मेरे डॉक्टर ने, और शुगर का दवाई आधा कर दिया। ऐसे सब का मेरे को ठीक हो गया। अभी दर्द भी, बॉडी पेन बिल्कुल निकल गया। पीठ का दर्द और उठना बैठना थोड़ा सा तकलीफ होता है, बाकी सब बिल्कुल आराम मिल गया मेरे को। माइग्रेन से छुटकारा पा लिया मैंने इतना मुश्किल से। अभी मेरे को आधा का आधा भी नहीं है बीमारियाँ, फिर भी जो भी डॉक्टर इतना अच्छा सा बात करते हैं, इतना अच्छा सा सब पूछते हैं, अपने बच्चे जैसे हमें लेके बात करके सब ट्रीटमेंट करा के, कभी भी फ़ोन करते हैं तो उठा के बात करके, को क्या करना है, कौन सी दवाई लेना है, क्या तकलीफ है, हर बात पूछ के हमें अच्छा सा मदद करते हैं। एक फ्रेंड जैसे ही रहता है, डॉक्टर जैसे दिखता ही नहीं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है इधर आके उनके पास ट्रीटमेंट लेना। और ऊपर भी जिधर हम लोग ट्रीटमेंट लेते हैं पंचकर्मा का, उन लोग भी अच्छा सा बात करते हैं। समय पर जिस समय हमें अपॉइंटमेंट दिया उस समय बराबर उन लोग लेके जाते हैं, और प्रेम से भावना के साथ उन लोग मदद करते हैं। जो भी बोलते हैं वो सब सुन के अपने को अच्छा सा वो हेल्प करते हैं, और अच्छा लगता है। एक बार ले लेंगे तो पंचकर्मा का ट्रीटमेंट, फिर हम जिंदगी भर हर महीने इधर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना पेन एकदम से निकल जाता है। तो जो भी जिसको भी जो भी तकलीफ है वो ज़रूर आयुष शक्ति में आएंगे तो 100% उनका मुनाफा फ़ायदा मिलेगा और पूरा दर्द निकल जाएगा। मगर थोड़ा शांति और आराम से हम रहना है। ट्रीटमेंट का पैसा भी इतना खर्चा नहीं, हज़ार रुपया लूटने वाले जो हैं, लाखों रुपया लूटते हैं, फिर भी हमें मुनाफा कुछ भी नहीं होता है। मगर इधर 1000 रुपया 5000 लिया तो भी हमारे पूरा झंझट छूट जाते हैं। तो विश्वास करके आप लोग भी आइए और ट्रीटमेंट ले लीजिए, अच्छा हो जाइए, खुशी खुशी जीने के आप लोग कोशिश कर लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा सा ज़िंदगी हो सके हैं। धन्यवाद।